প্যারা অলিম্পিয়ানদের সঙ্গে আবারও কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। দেশে ফিরে আসার পর প্যারা অলিম্পিয়ানদের সঙ্গে আলাপচারিতা প্রধানমন্ত্রীর। स्कोर मेडल डिफेंड करने के लिए और अगले दिन मेरी मेडल सेरेमनी थी और वहाँ पर मेडल के बाद मैं अपने दूसरे टीम मेंबर्स को हाईजम में सपोर्ट करने के लिए पहुँचा तो मेडल मेरे गले में था और उस टाइम फ्रेंच फैमिली मेरे को देख रही थी कि कल हम इस खिलाड़ी को सपोर्ट कर रहे थे तो आज ही हमारे बीच में बैठा है और ये काफ़ी टाइम से वो मुझे देख रही थी कि हमें कब मौका मिले इस खिलाड़ी के साथ फ़ोटो लेने का। तो जैसे ही कॉम्पिटिशन ख़त्म हुआ तो मैंने अपनी फ़ोटो के लिए मैं नीचे गया फोटो के लिए और उन्होंने मुझसे फ़ोटो मांगी तो उनके बच्चे थे साथ में छोटे छोटे तो मैंने उनके साथ फ़ोटो ली और उनके हाथ में बच्चों के हाथ में मेडल दिया। वो आई थिंक 6 से 7 साल के होंगे तो वो बच्चे मतलब एकदम मायूस से हो गए कि मेडल हमें देखने को मिल रहा है, कल हम इस खिलाड़ी के लिए चेयर अप कर रहे थे और आज हमारे बीच में खड़े हैं और फ़ोटो ले रहे हैं हमारे को। तो उनकी मम्मी ने मेरे को बोला कि हमारा यहाँ पेरिस में आना कॉम्पिटिशन देखना ये सक्सेसफुल होगा कि आप हमारे बीच में हमारे बच्चों के साथ फ़ोटो ले रहे और उनको ऑटोग्राफ दिया आपने, तो वो फैमिली पूरी खुश होगी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है सर, जो मतलब बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। नमस्कार सर, मेरा नाम योगेश कथुनिया। बांग्लार आवाज, बांगालीर आवेग, जी 24 घंटा।